Hi guys, this is Bubbly Kavya. Welcome to our channel Oxford Institute Law Sir. So guys, today we will learn in this video daily use sentences. आज की इस वीडियो में अपन डेली यूज वाले सेंटेंसेस सीखेंगे जो अपन बहुत बार यूज में लेते हैं. आज उन्हीं सेंटेंसेस को अपन इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं वो अपन आज इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं. सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो. देखिए गाइस, हमारा पहला सेंटेंस है, हमारा पहला वर्ड है, वो है वर्थ. वर्थ का मतलब क्या होता है? लायक या फिर योग्य. ठीक है, वर्थ का मतलब होता है लायक या फिर योग्य या फिर काबिल. ठीक है, अब इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. वह तारीफ के काबिल है, इसको बोलेंगे ही इज वर्थ प्रेजिंग. ही इज वर्थ प्रेजिंग. ठीक है, नेक्स्ट हमारा हरियप. हरियप को बोलेंगे जल्दी करो या फिर जल्दी करना. हरियप का क्या मतलब होता है? जल्दी करो या फिर जल्दी करना. ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए. ठीक है, देखिए, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन है छूट जाएगी. तो हरी अप और वी विल मिस द ट्रेन. हरी अप और वी विल मिस द ट्रेन. नेक्स्ट ग्रीडी. ग्रीडी का मतलब होता है लालची. ठीक है, ग्रीडी का क्या मतलब होता है? लालची. एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, लालची मत बनो. तो डोंट बी ग्रीडी. डोंट बी ग्रीडी मीन्स लालची मत बनो. नेक्स्ट हमारा आप देख सकते हो एडमायर. एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना या फिर सराहना करना. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करता हूँ या फिर तारीफ करता हूँ या सराहना करता हूँ. तो देखिए, आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क. आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क. नेक्स्ट कन्फेज. कन्फेज का मतलब होता है पाप स्वीकृति या फिर दोष स्वीकार करना. ठीक है, देखिए एग्जांपल, मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ. तो आई वॉन्ट टू कन्फेज समथिंग. आई वॉन्ट टू कन्फेज समथिंग. नेक्स्ट बॉदर. बॉदर का मतलब होता है परेशान करना या फिर तंग करना. तो देखिए एग्जांपल, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता. तो आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू. आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू. नेक्स्ट देखिए टफ. टफ का मतलब होता है कठिन, कठोर या फिर सख्त. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यह एक कठिन निर्णय था या फिर फैसला था. इट वॉज ए टफ डिसीजन टू मेक. इट वॉज ए टफ डिसीजन टू मेक. यह एक कठिन निर्णय था. नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आप देख सकते हो है कंपल्सरी. कंपल्सरी का मतलब होता है आवश्यक या फिर अनिवार्य. तो देखिए एग्जांपल, मेरे स्कूल में तैरना अनिवार्य था. तो स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल. स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल. देखिए नेक्स्ट हमारा अलाउ. अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या फिर आज्ञा देना. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, उसके माता पिता उसे देर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे. उसके माता पिता उसे देर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे. तो हर पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हर टू से टू स्टे आउट लेट. हर पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट. ठीक है, नेक्स्ट हमारा अपब्रिंगिंग. अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण या फिर परवरिश. देखिए, उसकी अच्छी परवरिश हुई है. उसकी अच्छी परवरिश हुई है. तो सी हैज़ हैड ए गुड अपब्रिंगिंग. सी हैज़ हैड ए गुड अपब्रिंगिंग. नेक्स्ट सफोकेशन. सफोकेशन का मतलब होता है घुटन या फिर दम घुटना या फिर सांस रुकना. देखिए, दम घुटने से उसकी मौत हो गई. तो ही डाइड ऑफ सफोकेशन. ही डाइड ऑफ सफोकेशन. नेक्स्ट बर्डन. बर्डन का मतलब होता है बोझ या फिर भार या फिर बोझ लादना. जैसे माफ़ करना मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ. तो सॉरी आई हैव बिकम ए बर्डन टू यू. सॉरी आई हैव बिकम ए बर्डन टू यू. नेक्स्ट रिज्यूम. रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना. ठीक है, तो बच्चे के जन्म के बाद वह काम फिर से शुरू कर देगी. तो देखिए, सी विल रिज्यूम वर्क आफ्टर द बेबी इज बर्न. सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ. बाय.